वैसे तो देवभूमि जम्मू और कश्मीर में बहुत से तीर्थ स्थल वाक्य हैं, जैसे कि श्री माता वैष्णो देवी, श्री कालका जी बवे वाली, श्री माता मचेल वाली, श्री माता सरथल किश्तवाड़ वाली, श्री अमरनाथ जी कश्मीर और असंख्य कुल देवस्थान हैं। इसी तरह एक देवस्थान श्री पुलहान देव जी श्री लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रसिद्ध हैं। हम उनका ही विवरण संक्षेप में इस कैसेट के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं। जिला किश्तवाड़ के छोटे से गांव पुल्लर, जो एक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, में वाक्या है ये स्थान आज से कई वर्ष पहले से प्रकट और प्रसिद्ध है। इस प्राचीन मंदिर में एक ओर श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति विराजमान है और दूसरी ओर श्री ब्रह्मा जी और श्री गायत्री माता जी भी विराजमान हैं। इस अद्भुत और प्राचीन मंदिर की हर मूर्ति भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। हमारे बुजुर्गों के कहने के मुताबिक भाटा गांव नामक स्थान पर थोड़ूदास जी नामक एक किसान रहा करते थे। वे बहुत ही नेक और ईमानदार मनुष्य थे। उनका रिश्ता दक्षिण इलाके से भी था। एक बार की बात है कि थोड़ूदास जी अपनी बहू के साथ दक्षिण से पुल्लर की तरफ आ रहे थे। रास्ता बहुत ही कठिन था तथा जंगलों से होकर गुजरता था। जब वे दोनों क्रोंडधार पर पहुंचे तो भूख प्यास से उन दोनों का बुरा हाल था। उनके पास सत्तुओं की गठरी तो थी, पर प्यास बुझाने को जंगल में पानी नहीं था। एक सुबान का बच्चा शुरू से ही उन दोनों के पीछे पीछे चला आ रहा था। थोड़ूदास जी ने उस सुबान के बच्चे से पूछा कि भाई, हम तो सत्तू खा लेंगे, पर तुम क्या खाओगे? सुबान के बच्चे ने सुना तो एक जगह जाकर अपने पंजों से ज़मीन को खोदकर पानी निकालने लगा। वो पानी तीन हिस्सों में बट गया। वो तीन पानी की धाराएं एक दक्षिण की तरफ और दो पुल्लर की तरफ आज भी बह रही हैं। इस प्रकार सुबान के बच्चे ने आगे चलकर दूसरी जगह पर फिर पानी निकाला तो उस जगह का नाम करण नाग पड़ गया। थोड़ूदास जी जब अपने घर पहुंचे तो मुड़कर देखा सुबान का बच्चा लुप्त हो चुका था। थोड़ूदास जी परेशान होकर रात को सो गए, भोजन भी नहीं खाया। गहरी नींद में उन्हें एक सपना आया। सपने में सुबान के बच्चे ने थोड़ूदास जी को श्री विष्णु भगवान जी के रूप में दर्शन दिए और कहा कि मुझे यहाँ एक बहुत ही सुंदर जगह पसंद आई है, तुम उस जगह को खोद कर देखो, तुम्हें वहाँ पर सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। मेरा असली रूप भी तुम्हें वहाँ पर ही पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। आँख खुलने पर थोड़ूदास जी ने वैसा ही किया जो सपने में कहा गया था। सचमुच उसे उस जगह पर सब कुछ बना बनाया ही मिला। मूर्तियाँ, मंदिर, शिलाएँ, सब कुछ वैसी की वैसी उसने सपने में जो देखी थी। ये दृश्य देखकर थोड़ूदास जी फूले नहीं समाए। उन्होंने खुशी खुशी उस स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन कर दिया। बड़े बड़े विद्वानों से यज्ञ शुरू करवाया गया। कीर्तन, सत्संग, भोज वगैरह का प्रबंध किया गया। दूर दूर से भक्तजन पधारने लगे। हर तरफ उस मंदिर और थोड़ूदास जी की ख्याति होने लगी। जिस जगह पर मंदिर प्रकट हुआ था उस जगह पर पानी नहीं था। यज्ञ के आयोजन के लिए जब पानी न मिला तो भगवान के चरणों से पानी की धारा अपने आप निकलाई, जो आज भी निकल रही है। थोड़ूदास जी के कुल पुरोहित खच्चू राम जी भी यज्ञ में पधारे हुए थे। विद्वान ब्राह्मणों का कुल पुरोहित खच्चू राम जी से वाद विवाद हो गया। विद्वान ब्राह्मणों ने खच्चू राम जी को बहुत सताया, रुलाया। खच्चू राम जी ने मंदिर में भगवान के चरणों में विनती की कि हे भगवान, ये मेरा अपमान नहीं है, बल्कि ये तो आपका ही अपमान है। खच्चू राम ने
थोड़ूदास से दो वचन मांगे और खाना खाना स्वीकार किया। थोड़ूदास ने वचनों का पालन किया। आहिस्ता आहिस्ता पुलन देवता और थोड़ू राम जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अब श्री आत्मानंद जी महाराज जी के सत्संगों और प्रवचनों से देवस्थान ज़्यादा ही प्रसिद्ध हो गया है। जम्मू कश्मीर राज्य के जिला किश्तवाड़ से 22 किलोमीटर की दूरी पर पडियारना तक बस का सफ़र तय करके पहुंचा जाता है। उसके बाद पडियारना से चिनाब पुल पार करके 1 किलोमीटर तत्तापानी नामक स्थान है, जो चिनाब नदी के किनारे पर शेषनाग के नाम से प्रसिद्ध है। इस पानी से स्नान करने से मनुष्य कई प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाते हैं। इस स्थान से 4 किलोमीटर आगे चलकर खड़ी पहाड़ी चढ़ के पगडंडियों के रास्ते ऊपर सुमना भाटा गांव के मध्य में कुलदेव पुलन देव जी का प्रसिद्ध देव स्थान वाक्य है, जो कि श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी यहां हजारों की संख्या में भक्तजन आते हैं और अपने मन की मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए इसकी सुंदरता से निहाल होकर लौटते हैं।